हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत किया, और यदि उस मेहनत का प्रतिफल प्राप्त न हो तो हमारा जीवन ही हमें दुष्कर नजर आता है। और ऐसे ही आज सफलता के एक सूक्ष्म परिणाम को हम समझने वाले हैं कि यही सफलता कैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक परिणाम लेकर के आएगा। यही गुरुदेव जिसकी बात करने जा रहे हैं हम, यही देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य से भाई आपके नवम भाव के स्वामी हैं। मेष राशि से ठीक नवम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। भाग्य के स्वाभाविक देवता ही देव गुरु बृहस्पति को माना गया है, और यही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपने देखा था 21 अप्रैल सन 2023 का वो दिन था जब यही गुरुदेव आपके ऊपर संचार किए थे, मतलब कि मेष राशि पर ही गुरुदेव आए हुए थे। कितना अच्छा होना चाहिए आपके लिए, तो आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि और न जाने क्या क्या वृद्धि लेकर के ये गुरुदेव आए थे। परंतु आपको यदि अभी तक उसका शुभ परिणाम नहीं मिला है तो इसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। ध्यान से समझिए, एक एक बातों को समझिए। अभी तक 21 अप्रैल से लेकर अभी तक 21 जून तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर ये देव गुरु बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र पे होंगे जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। इस दरमियान ये गुरुदेव गुरु बृहस्पति आपको चांडाल योग का फल दे रहे थे, परंतु अभी जब 21 अप्रैल का डेट आएगा, 12:10 दोपहर का वो समय होगा जब यही देव गुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे और भरणी नक्षत्र में संचार कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र स्वयं एक धारक नक्षत्र माना गया है, भरण पोषण करने वाला नक्षत्र माना गया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो इस प्रकार से एक धारक, एक भरण पोषण करने की क्षमता आप पर आ जाएगी, भूलना नहीं है। यही देव गुरु बृहस्पति तो भाई आपके लगन आपके राशि पर ही आए हुए हैं, बाकी सभी राशियों से आपको ज़्यादा इस बात को समझने की आपको आवश्यकता है। और इसलिए भी यहाँ पर शुभ स्थिति बनती है क्योंकि यही देव गुरु बृहस्पति आपके नवमेश हैं। नवम भाव वह स्थान हो गया जो आपके भाग्य हैं, आपके पुरुषार्थों का प्रतिफल यदि कोई भाव देता है तो यही तो है नवम भाव, जिस भाव के स्वामी ही गुरुदेव हैं। तो इसलिए ये गुरुदेव जब यहाँ पर आए हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करने का एक शुभ संचार लेकर के आए हैं। मान्यता है, ज्योतिष की मान्यता इस बात पर निहित होती है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्र के अधीन हमको रिजल्ट प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति हमारे कौन हो गए, पेड़ हो गए। आप ऐसा मानिए कि देव गुरु बृहस्पति आपके पेड़ हैं, और फल कौन है, तो जिसके नक्षत्र पे है वो फल है। तो किसके नक्षत्र पे, भरणी नक्षत्र के। भरणी नक्षत्र के जो अधिपति होते हैं, जो स्वामी होते हैं, जिनको स्वामित्व प्राप्त है, वही तो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य की राशि जहां जहां पर होगी वहां वहां आपको शुभ फल के परिणाम देखने को मिलेंगे। कहां है इनकी राशि तो आपको बताते हैं, जहां पर 2 लिखा हुआ है और जहां 7 लिखा है, यही वृषभ और तुला राशि है जो आपके मेष राशि से एक तो धनेश बनते हैं और एक सप्तमेश बनते हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। आपको आपके धन के बारे में जानना है तो आपको सेकंड हाउस देखना है, और यदि आपको वैसे भी किसी की कुंडली में भी धन की स्थिति को जानना है तो सेकंड भाव और साथ में देखना होता है शुक्र की स्थिति को। अब नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा आपका सेकंड भाव ही सबसे ज्यादा जागृति अवस्था में आ गया है। यही तो वो भाव है जहां पर शुक्र का घर भी है और आपके लाइफ टाइम आपके धनेश भी यही हैं। तो इसलिए आपके जीवन में एक धन का शुभ संचार इस समय पर लेके आएंगे। 21 जून से 26 नवंबर का वो डेट होगा जिस टाइम पर आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से आपके लिए सर्वाधिक उत्तम यह समय माना जाएगा। यही वो समय है जहां पर आप बैंक में आपका लेन देन आना जाना बढ़ जाएगा। भाई पैसे हमारे पास रहेंगे तभी तो हम बैंक जाएंगे, तो बैंक में आना जाना बढ़ सकता है इस टाइम पर। यही वो स्थान है जहां पर किसी प्रकार से यदि आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उन आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य से आपको धन की प्राप्ति की संभावना होना यह सर्वाधिक आप समझिएगा। देखिए, धन की प्राप्ति 2 से होती है, एक तो कर्म के द्वारा और दूसरे भाग्य के द्वारा। और यदि ये दोनों मिल जाए तो कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ा धन की प्राप्ति होगी आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
एक तो हमने मेहनत किया, हमने मान लीजिए 100 रुपए का मेहनत किया और हमें 100 रुपए प्राप्त हो गए, ये हमारे कर्म हो गए। और साथ में यदि भाग्य जुड़ जाए, जो आपके भाग्यश गुरु हैं, तो आप ये मानिए आपने 100 रुपए का कार्य किया और आपको 200 रुपए मिल जाए, 400 रुपए मिल जाए, 800 रुपए मिल जाए। तो इस प्रकार से आपका भाग्य यदि साथ दे दे, तो यहां पर भाग्य की परिकाष्ठा आपको सिद्ध होती दिख रही है, क्योंकि दूसरा घर आपका धन भाव है, यह भाव आपका जागृति अवस्था में आ रहा है। बस आपको इतना समझना है। अब सेकंड पॉइंट को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का है, आपके पारिवारिक जनों का है। तो कुटुंब में की जागृति होना, परिवार में कुछ सौहार्द का, सुख का वातावरण एकत्रित होना, घर में मांगलिक कार्य होना, ये सारा योग आपका यहां बनाएगा। यही वो भाव है जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी में एक बुद्धिमता आ जाएगी, गुरु ज्ञान के कारक हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो मिठास के कारक हैं। और जब हमारी वाणी में ज्ञान आ जाए और साथ में यदि मिठास आ जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाने का यह प्रथम प्रयास, आप इसी को मानिएगा। माना जाता है कि वाणी जिसकी मधुर होती है, वाणी भाव के स्वामी आपके शुक्र लाइफ टाइम है भाई, हमेशा के लिए आपके शुक्र आपके वाणी भाव के स्वामी हैं। कोयल काको देत है और कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। कोयल किसी को कुछ देता नहीं और न कौवा किसी से कुछ लेता है, लेकिन मीठी वाणी का जो प्रभाव होता है वो सदैव आपके ऊपर होता है और इसी कारण से एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। और यही स्थिति आपके धन कुटुंब वाणी में है, धन प्राप्ति का एक सुंदर सुअवसर आपको ये समय देगा। किसी प्रकार से कोई बाधा की स्थिति बनी हुई है, कहीं से रिकवरी होने में प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से, वो आपको अच्छा होते हुए दिखेगा। पारिवारिक कलह की स्थिति बनी हुई है, विवाद की स्थिति बनी हुई है, वो विवाद की स्थितियों का निपटारा होने का यहाँ संभावना सर्वाधिक आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस भाव का जहां शुक्र की दूसरी राशि पड़ी है। ध्यान से समझिएगा, शुक्र की दूसरी राशि पड़ी है आपके सप्तम भाव पर, जो कि भरणी नक्षत्र के राशि स्वामी, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र की ये दूसरी राशि है। शुक्र यहां पर मूल त्रिकोण राशि के हो जाते हैं। गुरु देवता शुक्र के द्वारा, गुरु देवता आपके पेड़ हो गए और फल कहां दे दिए, फल सप्तम भाव के आपको फल मिलेंगे। सप्तम भाव का है क्या भाई, सप्तम भाव हो गया आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का। किसी भी प्रकार से यदि व्यापार में आपको बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, तो बढ़ोतरी का एक संचार, किसी प्रकार से व्यापार में यदि बहुत नुकसान हो गया है, हानि हो गया है, तो उसको रिकवरी होने का एक सुंदर सुअवसर आप इस टाइम को मान सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके दशम भाव से, दशम भाव होने के कारण आपका करियर भी है, तो कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार से रुकावट बनी हुई है, बाधाएं बनी हुई हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर उसका शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। नौकरी में यदि आप हैं, तो नौकरी में भी तो दशम से दशम हमारा करियर ही तो दोनों डिसाइड करता है भाई, कि हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर आपके करियर में यदि आप नौकरी में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से आपके करियर में ये उछाल को लेकर के आ रहा है, आपको इतना समझना है। अब समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके दाम्पत्य जीवन का है। पति पत्नी की मधुरता है ये स्थान, सप्तम भाव, इसलिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ आपके जीवन, आपके जो माधुर्य है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, वो बढ़ सकती है इस टाइम पर। और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक जब स्थिति आती है, तो दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं रहते, दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ जाते हैं। और जब हमारे जीवन में सप्तम भाव, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए, तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, तो सुमत आ जाए तो अपने आप हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भूलना नहीं है, गुरु भाग्य के कारक हैं, तो वहीं पर शुक्र जो है वो धन के कारक माने गए हैं, और आपके तो धनेश ही हैं, तो इसलिए, और आपके भाग्यश भी हैं, ये जो मतलब ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। भाग्य के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं और कारक भी गुरुदेव हैं, वो सिर्फ मेष राशि में देखने को मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली भी यही बनती है। मेष राशि की कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। अब गुरु की बात कर लेते हैं, ये तो हो गया भरणी नक्षत्र के प्रभाव। गुरु देवता को आप भूलना नहीं है, 21 अप्रैल से आए हैं और पूरे एक वर्ष तक रहेंगे भाई।
गुरु देवता आपके पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव कौन सा हो गया? पंचम भाव हो गया आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके निर्णय क्षमता में आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय हो छोटा निर्णय हो, उसमें हमारे निर्णय सही होने आवश्यक हैं, वरना हम कितने भी मेहनत करते रहें हमारा निर्णय सही नहीं है, मतलब वहाँ पर हमको लॉस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर वो अच्छी स्थिति है। अब गुरु की अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो मतलब दोहरा असर आपको मिल गया। सप्तम भाव पर शुक्र का प्रभाव भी पड़ा था, गुरु की दृष्टि भी आ गई। माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा जल हमारे जीवन को पवित्र करता है, मनुष्य को पवित्र करता है, बड़े से बड़े पतितों को पावन करने का सामर्थ्य यदि गंगा जल के पास है, तो भाई गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, आपके व्यापार में आपके कैरियर में ग्रोथ कैसे नहीं होगा। किसी भी प्रकार से मृत अवस्था में ही पड़ा हुआ है यदि आपका करियर, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आकर के मानो उस भाव को जागृति प्रदान कर दिया हो। अब इनकी नवीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव वो भाव हो गया भाई जो आपके भाग्य का भाव है, आपके पुरुषार्थ का भाव है, भाग्य के स्वामी का भाग्य में दृष्टि होना कितना अनुकूल माना जाएगा आप स्वतः विचार कीजिए। तो इस हिसाब से भी गुरु की दृष्टि अनुकूल है। गुरु भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल है, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपके जीवन में ये उन्नति के ओर आपको अग्रसर करने के लिए यहाँ पर ललायित हैं ये ग्रह। देखिए हमें सभी नौ ग्रहों का फल मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में अनेक सदस्य हैं, मान लीजिए आपके ऐसा मानिए कि हमारे घर में नौ सदस्य हैं जिसमें से सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी हैं, नौ सदस्य हैं। अब नौ सदस्यों का प्रतिफल उस घर पर पड़ेगा, और घर कौन है? तो घर ये जो बने हुए हैं सब घर हैं, और सबका रिजल्ट किसे मिलना है? सबका रिजल्ट मिलता है हमारे लग्न को, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं। कभी सब संतुष्ट रहते हैं क्या? कभी हो सकता है आज हमारा खीर खाने का मन हो, तो कोई कह सकता है नहीं भाई आज हमें कुछ बड़ा भजिया खाने का मन है। कोई मतलब कहने का तात्पर्य यह है कभी किसी मन किसी का एक समान नहीं होता, सभी अपने अपने हिसाब से चलते हैं और अपने अपने हिसाब से हमें फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है भाई, शनि है, शनि कर्म के कारक होते हैं, और शनि आपके एकादश भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा 17 जनवरी का वो डेट था जब यहीं पर आए हैं आपके एकादश भाव में, आपके लाभ में वृद्धि करने के लिए आए हैं। और अभी जो नक्षत्रीय परिवर्तन हो गया ये जीवन को और उन्नत बनाएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मान्यता है, आप इसे समझिएगा। उम्मीद है आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे, आप इसे भली भांति जान पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें जागृति प्रदान करते हैं और भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करके आपके समक्ष उपस्थित होने का। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।